तो अभी गाइस हम आए लेपिनोज पिज्जा पिज्जा लेने के लिए, फिर उसको सरप्राइज करेंगे, बड़ा वाला पिज्जा लेके चलते हैं, बड़ा वाला। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मुझे उठा मैं और मैंने देखा हमारे भाइयों वाले गाने पे 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1 करोड़ व्यूज़। सो थैंक यू सो मच गाइस, कभी सोचा भी नहीं था कि भाइयों वाले गाना आएगा हमारा और वो इतना पसंद आएगा आप लोगों को। तो बहुत पसंद आ रहा है, सब इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, भाई एक भाई दूसरे भाई को डेडिकेट कर रहे हैं, बहनें डेडिकेट कर रही हैं, मुझे टैग कर रहे हो आप अपने भाइयों के साथ में। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोगों को इतना पसंद आएगा ना, और बढ़ते ही जा रहे हैं व्यूज़ तो, और लोग डेली सुन रहे हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं। तो हाँ, सोचा नहीं था कि इतना भी मतलब लोगों को पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। 1 करोड़ नंबर बहुत बड़ा होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, बिकॉज हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है। हमने यूट्यूब चूज़ किया, हमने वीडियोज़ डालनी शुरू की, हमको लोगों ने देखा और फिर हमने गाने बनाए, हम तीनों भाइयों गाना बनाया और उस पर 1 करोड़ व्यूज़ आए हैं, लोगों को पसंद आया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज कोई सेलिब्रिटी हो तो मानते हैं कि हाँ उसके ब्लॉग उसके गाना तो लोग इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए, लेकिन हमारा गाना क्यों होंगे लोग इंटरेस्टिंग देखने के लिए? फिर भी लोगों को इतना पसंद आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो भी गाइस नहा धो के रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया आज? खिचड़ी। मस्त चाय बन रही है यहाँ पे, कड़क चाय, लेकिन मैं तो गाइस हेल्दी हेल्दी खाऊंगा, खिचड़ी बनी है, खिचड़ी खाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे सेवा चल रही है कुनाली और पीयूष के द्वारा, मम्मी जी के पैर दबाए जा रहे हैं। हाथ से कुछ असर नहीं पड़ रहा यार। असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा। लो आराम से, आराम से। इसको बड़ा मजा आ रहा करने में। करने दे यार, करने दे यार, कर ले, मैं तो मना कर रहा हूँ। कुनाली पीयूष को देख रहे हैं ना कि पैर दबा रहे हैं, मैं भी दबाऊंगा। जैसा पीयूष करता है वैसा ही कुनाली करता है। तो पीयूषी अच्छे अच्छे काम कर, अच्छी चीजें कर, अच्छी चीज सिखा उसको। जैसे तू कर रहा है वैसे वो कर रहा है, तेरे को अच्छी चीजें करनी चाहिए ताकि वो भी अच्छी चीज सीखे। तो मम्मी तबीयत ठीक है ना आपकी? थोड़ी अभी दवाई लाई है बेटा। तो मम्मी जी हॉस्पिटल से दवाई ले आई फाइनली। आज हमारे गाने पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए, तो अब केक मंगाता हूँ एक। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन केक मंगाऊंगा जोमेटो से, तो देखते हैं कैसा आता है। ये वाला मंगाऊं? ये वाला अच्छा लग रहा है, ज्यादा डार्क चॉकलेट लग रहा है। डार्क चॉकलेट ही चाहिए? नहीं खाया नहीं जाता, कड़वा सा लगता है। एक फोटो तो देखो, मेरे को ये अच्छा लग रहा है भाई। मुझे तो गाइस केक के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बस ये पता है चॉकलेट केक होता है जो कि मेरा फेवरेट है बस। तो मैं चॉकलेट ही मंगाऊंगा आज। बड़ी मम्मी की सेवा करोगे ना, इतना बढ़िया फल मिलेगा तुमको, सच्ची बता रहा हूँ। हे भगवान, जैसे बड़ा खुद कर रहे हैं भाई। मैंने कितनी सेवा की पूछ मम्मी से। गाइस मैं बहुत बहुत अच्छा बच्चा हूँ मम्मी का, मम्मी से चाहे पूछ लो आप, मैं बहुत अच्छा, मतलब वीडियो में मैं नहीं दिखाता हूँ लेकिन फिर भी बहुत बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे सिंपैथी लेने का इतना वो नहीं है शौक, मैं करता रहता हूँ। अब जैसे अब देखो मैं व्लॉग देखो कब स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 बजने वाले हैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने बहुत कुछ किया, बहुत मस्ती की, अभी गेस्ट भी आए थे हमारे घर में, मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज हर चीज़ में व्लॉग थोड़ा ना किया जाता है। अब जैसे हम बैठे हैं यहाँ अकेले, शांति है, बेसिकली शांति है, तो शांति है थोड़ा बहुत व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं, जब ज़्यादा मस्ती का माहौल होता है, तब मैं व्लॉग नहीं करता हूँ। तो अभी साहिल गेस करेगा, मेरे पास पता है किसका गाना है, मेरे पास गाना है एक नया, गेस कर किसका होगा। टी सीरीज का, टी सीरीज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन साहिल का फेवरेट सिंगर है वो। अरिजीत सिंह ही है। अरिजीत सिंह का नहीं, अरिजीत सिंह नहीं। सबसे ज्यादा टाइम मुझे गाना चूज करने में लगता है, मेरे पास 15-20 गाने आते हैं, उसमें से मैं एक चूज करता हूँ। जैसे मैंने भाई वाला चूज किया, तेरा हो रहा चूज किया, मौजा चूज किया, झूठा लगता चूज किया, तो ये मैंने खुद चूज करे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मेरी ऑडियंस को पसंद आएंगे और सबको पसंद भी आते हैं। तो फाइनली केक पहुंच चुका है, चलते लेने के लिए। फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा भाई, और यहाँ पर अभी केक का वेट कर रहा हूँ। फाइनली अपना केक आ चुका है, तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे फर्स्ट डिलीवर्ड केक की, देखते हैं कैसा है। फोटो में तो अच्छा ही लग रहा था। 3, 2, 1 धोखा हो गया, धोखा हो गया। फोटो में तो बड़ा लग रहा था, फोटो में तो फूल था इसके अंदर। इसकी फोटो दिखा, इसमें कुछ और लगा था यार। तो गाइस हमने तो ये वाला केक मंगाया था लेकिन ये कुछ और ही आ गया, डिजाइन भी अलग है इसका, ऊपर से इसमें डिजाइन अलग है, दिखाओ। तो अभी गाइस हम पांचों भाई यहाँ पे आ चुके हैं, इंक्लूडिंग ओरियो, केक काटने के लिए रेडी है सभी के सभी। सेलिब्रेशन तो बहाना था, एक्चुअली में केक खाना था। तो अभी गाइस केक कट हो चुका है, लेकिन हमने इतना हल्ला मचा दिया था ना यहाँ पे कि मम्मी उठ के आ गई, मम्मी सोई पड़ी थी, सॉरी मम्मी। सोई नहीं, थोड़ा आई थी, इतना हल्ला मचा रखा तुमने, वैसे लेट रही थी मैं। भाई हम जब पांचों भाई मिलते हैं तो हल्ला ही होता है। ये पीयूष और ये हम लोग कर रहे हैं। ओरियो भी बुलाया था यहाँ? हाँ ओरियो भी था, है ना। ये देख दिख रहे हैं कपड़े, दिख रहे हैं मेरे को, ये देख सब बिस्तर भी भर दिया ना, ये देख खानदानी अम्मी वो। सर तुमको शर्म नहीं आती, तुम बाहर कैसे जाओगे कपड़ों से? माइक में बाल लगे क्यों जरा सारे बालों से देखिए। अगर बाल नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में डॉग है, हमारे घर में ओरियो है? हमारे कपड़ों में बाल रहने चाहिए ना, तभी तो फील आएगा कि ओरियो है। ये गोल गोल क्या है? ये दुनिया है। दुनिया है ना, जिसमें आप अभी हो। और अभी हम दुनिया में कहाँ पे हैं बताओ, कौन से देश में हम? इंडिया में। इंडिया में? हाँ, वो उसने लिखा। कहाँ लिखा है इंडिया? उसमें वो जहाँ पे मैंने चक्का लगाया था। रुको मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे घूमता है। मेरे को भी करना है। करो घुमाओ।
अरे क्या कर दिया यार को? आपको भी माउस चलाना नहीं आता है, आपको माउस चलाना सिखाना पड़ेगा। कुणाल ये जो पूरा है ना ये इंडिया है। ये डायनासोर था। हैं? ये डायनासोर था। डायनासोर? हाँ। डायनासोर थोड़ा ना है, ये इंडिया है। अभी हम कहाँ हैं? उत्तराखंड। तो आज कुणाली ने क्या क्या सीखा? कुणाली ने अर्थ सीखा, इंडिया सीखा, हल्द्वानी सीखा और हम कहाँ हैं वो सीखा। लेकिन अभी कंप्यूटर नहीं आता, आपको कंप्यूटर भी सीखना है, माउस चलाना सीखना है ना। गेमिंग वीडियो नहीं चलानी। चलो उठो अब यहाँ से, आपको सिखा दिया ना बस। तो चाची हमारे लिए चाय ले आए, थैंक यू चाची। हाँ आज ओरियो घुमा के चलते हैं, चलेगा ना घूमने? आज ओरियो घुमा, बहुत दिन हो गए ओरियो नहीं घुमा। तो खुश हो गया, घूमने का नाम सुनते ही खुश हो गया। तो गाड़ी घुमा ले, हम आगे जा रहे हैं। तो अभी गाइस जा रहे हैं ओरियो को लेके। फिलहाल अभी ओरियो को मैं पैदल ही ले आ रहा हूँ, ये अपना काम तमाम कर लेगा ना, कहीं गाड़ी में ना कर दे। ओरियो को काम करवाने के लिए हम लेके जाते हैं सोसाइटी से बाहर, गेट के बाहर करता है ये अपना काम। जल्दी चलो फिर गाड़ी में बैठना है। हेलो। तो गाइस ओरियो ने अपना काम कर लिया है, अब चलते हैं थार में बिठा के इसको। चलो बैठो। तो अभी गए थे मस्त वाली रोड पे आ गए, और ये बहुत टाइम के बाद फुल मजे ले रहे हैं गाड़ी के। इसको हवा बहुत पसंद है, जो हवा लगती है ना। कुणाली और पीयूष तो पार्क में खेल रहे थे, इसलिए उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी गाइस हम आए लेपिनोज पिज्जा, पिज्जा लेने के लिए। पीयूष को सरप्राइज करेंगे, बड़ा वाला पिज्जा लेके चलते हैं, बड़ा वाला। तो इनसे पूछते हैं इनके पास है या नहीं है। पीयूष को पसंद है कॉर्न वाला, तो चलो। ओनली कॉर्न। तो अभी गाइस पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया है फुल साइज, तो देखते हैं पीयूष और कुणाली को सरप्राइज मिलेगा। बिकॉज हम वैसे प्लान नहीं था, बस एकदम से दिखा हमारे यहाँ पर नया खुला है ना लेपिनोज, मतलब लेपिनोज पे तो बड़ा वाला पिज्जा मिलता है, तो चलो हमने ऑर्डर कर दिया, देखते हैं। चलो चलते हैं, गाड़ी में ही चलते हैं यार। 45 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बॉय भैया के पास में, कुछ काम था मुझे। तो अभी गाइस आधा घंटा हो चुका है, तो अभी साहिल और दिव्यांश जा रहे हैं पिज्जा लेने के लिए। मैं यहीं वेट करता हूँ ओरियो के साथ में, पिज्जा ले आएंगे फिर चलेंगे वापस यहाँ से घर। तो ये हमारा पिज्जा आ गया है, इतना बड़ा पिज्जा भाई। ओहो। तो साहिल और दिव्यांश ले आए हैं पिज्जा, अब चलते हैं, चलो। तो अभी गाइस अंधेरा हो चुका है एंड आज ओरियो मस्त घूम रहा है, आज तो बहुत घूम लिया ओरियो ने। तो अभी गाइस घर तो पहुंच गए और पिज्जा अभी गाड़ी में ही है, सडनली एक जना लेके आएगा ना तब सरप्राइज करेंगे। पीयूष और कुणाल तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, एक बंदा ला सकता है? तू ही ले आइए फिर, ले चाबी। तो फाइनली पिज्जा आ चुका है, हम तेरे लिए कुछ लाए हैं। कुणाली मैं कुछ लाया हूँ, जूते हैं। नहीं जूते वाला। अरे कुछ तो दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, पिज्जा है तो बड़ा वाला। इतना बड़ा पिज्जा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पीस है गाइस। इसमें गैस कर सकते हो, इसके साथ क्या मिले, इतने सारे लिटरली इतने सारे केचप, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, क्या निकाल रहा है भाई। भाई नॉर्मल पिज्जा तो है नहीं, जो हाथ में रखेगा ये तो ऐसा खाना पड़ेगा। तो कुणाली को सिर्फ इतना ही मिलेगा, ठीक है? और नहीं मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप छोटे हो, छोटे बच्चों को नहीं देते हैं। देते हैं। नहीं देते हैं। देते हैं। नहीं। तो भैया इस पिज्जा तो खा लिया हमने, लेकिन खा ही नहीं पाए हम, इतना सारा बच चुका है, 6-7 पीस बच चुके हैं इसके, एक एक पीस ही खाएगा हमसे। लेकिन क्योंकि काफी बड़ा है ना, तो एक पीस में पेट भर जा रहा है, बाहर जाके इतने बच्चे बच्चे होते हैं जो, तो उनको दे देंगे। वैसे मेरा प्लान भी ऐसा, लेने से पहले मैं सोच रहा था कि खाया तो जाएगा नहीं, मुझे पता था, लेकिन पीयूष सरप्राइज करना, पीयूष सरप्राइज कर दिया है, अब जाके हम बच्चों को दे देंगे, मतलब 5-6 लोगों का पेट भर जाएगा। वैसे ये सब मैं अपने व्लॉग में दिखाता नहीं हूँ, बट आज ये थोड़ा बच गया तो मैं, चलो आज दिखा देते हैं। कुणाली आप अपने हाथों से दोगे? हाँ। ठीक है चलो। नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, आ रहा है। अरे भाई ये फॉर्च्यूनर से बड़ा क्या? तो साहिल, पीयूष, कुणाली एंड दादाजी भी जा रहे हैं हमारे साथ में। तो भी घर पे आ गए हैं, पिज्जा हमने रोड साइड में किसी किसी को दे दिया और खत्म हो चुका है पिज्जा, लेकिन डब्बा में ले आया ताकि याद रहे कभी हमने इतना बड़ा पिज्जा लिया था, और आज के बाद तो कभी लेने वाला था, बिकॉज खाया नहीं जाता यार। फर्स्ट टाइम सरप्राइज करना था, पीयूष को कर दिया, लेकिन डब्बा संभाल के रखेंगे बिकॉज मेमोरीज होती है। तो हाँ डब्बे वगैरह मैं रख लेता हूँ, देखो पीसी के भी सारे डब्बे पड़े ही हैं, मैंने दिए नहीं है। बाकी मैंने शूट वगैरह नहीं किया बिकॉज अच्छा लगता है ना इसे देते हुए किसी की वीडियो बनाना, कि हाँ हम उसको दे रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, उसकी शक्ल दिखा, तो अजीब सा लगता है मुझे खुद ही, तो हाँ इसीलिए। बाकी बस फिलहाल मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जल्दी एक चीज दिखा दो तेरे को। अब मेरे को डराना है। आपको डराएं? चलो इसको डरा, इसको डरा। कुणाली जल्दी इधर आओ।
candles on the lighting. Don't wanna pick a fight when everything seems so good. I guess I can't help myself.